बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। फंक्शनल ग्रुप यही अगला टॉपिक और यही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला भी है। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़ास तौर पे नॉमन क्लेचर को डील करते हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं, बोले पता नहीं क्या मुसीबत है यार ये फंक्शनल ग्रुप। भाई कोई भी मुसीबत नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है और सिंगल एटम भी हो सकता है। आपकी बुक के अंदर तो बताया उन्होंने सिंगल एटम भी हो सकता है। आपकी बुक के अंदर तो ग्रुप ऑफ एटम लिखा है लेकिन सिंगल एटम भी ये हो सकता है, ठीक है। सिंगल एटम भी हो सकता है। कहाँ होता है ये? विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही ये होता है, ठीक है। काम क्या है इसका? इट गिव्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इट गिव्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, सबसे अलग पहचान देगा, अलग थलग नज़र आएगा तो क्लियरली पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये CH3CH2OH। अब ये देखें, ये तीनों अलग अलग चीज़ें, ये इसी तरह मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जैसे ये मार्कर को देख लें और इस बोर्ड को देख लें, जुदा जुदा काम है ना। हालांकि मिलती जुलती चीज़ें भी हैं, 100% बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते, थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी मामला है, लेकिन बहरहाल ये तीनों अलग कंपाउंड हैं। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। ये है मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ये है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये है प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल। समझ में आ रही है बात आपको? तीनों अलग कंपाउंड हैं लेकिन इन तीनों के अंदर एक चीज़ आपको अलग से ही नज़र आ रही होगी, ये नज़र आ रही है, ठीक। तो ये और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहाँ जहाँ ये आपको OH अलग से नज़र लिखा हुआ नज़र आ जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो आप यकीनन फिर ये सोचेंगे कि यार इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये अलग से मुझे नज़र आ रहा है, अलग से मुझे नज़र आ रहा है ये। तो फिर आप यही सोचेंगे यार इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक अलग ही ग्रुप बना देना चाहिए जिसके अंदर ये OH मौजूद है। आसान सी बात है, ये इसका ट्रेडमार्क हो गया OH, और ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, सिंगल एटम भी हो सकता है, विद इन मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल के अंदर, इट गिव्स यूनिक दूसरों से हट के आइडेंटिफिकेशन, एक बिल्कुल यूनिक दूसरों से हट के आपको पहचान देता है, ये बात जहन में रखिएगा। इस तरह के और ग्रुप ऑफ एटम जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर आपको ये OH साइड में कहीं टंगा हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इन हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इन अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन नज़र आती है, ये OH, आप कहेंगे यार इसको एक ग्रुप बना दो, इनको एक ग्रुप बना देते हैं जिसके अंदर ये मौजूद है, उसका नाम रख देते हैं अल्कोहल। क्या रख देते हैं? अल्कोहल। अब इसी में दूसरा देख लेते हैं यहीं पर, अगर ये OH नहीं है, NH2 है, सॉरी 3 आ गया, NH2 है। अब दूसरी कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अलग अलग हैं लेकिन उन सब में आपको ये कहीं ना कहीं टंगा हुआ नज़र आ रहा है NH2। आप फिर ये सोचेंगे कि यार इन सबको एक फैमिली बना दो,
ठीक है, इनको आपने क्या नाम दिया, इनको आपने अमाइंस का नाम दे दिया, अमाइंस का क्या नाम दे दिया, अमाइंस, कि वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये लगे हुए हैं वो क्या हैं, वो अमाइंस हैं। इसी तरह जिनके अंदर कोई ऐसा आपको NH2 या OH आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप उसको एक और नाम देंगे, फिर आप क्या देखेंगे, फिर उसमें आप बॉन्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज तो आपने बनानी है ना, फैमिलीज तो बनानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, 2, 3, 4 नहीं हैं, खरबों हैं, लाखों भी नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों भी नहीं, खरबों हैं, बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैनमेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, सिंथेटिक हैं, इंसानों ने बनाए, तो प्रॉब्लम ही उनकी ये है कि उनकी फैमिलीज बनाई जाएं, भाई इतने सारे हैं ये, ताकि इन पे वर्कआउट किया जाए। तो अगर ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम अलग से आपको नज़र नहीं आता, अब सिंगल एटम की भी पहचान बता दूँ आपको, मिसाल के तौर पर ये इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, तो आप इन सबको क्या नाम देंगे, आप इनको नाम देंगे हैलाइड्स का, हैलाइड्स के, भाई ये क्या है, ये सब के सब ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हैलोजन अटैच हुआ हुआ है, चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इन चार में से, एस्ट्राटाइन तो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं करते, ठीक है, तो ये अगर कहीं भी आपको नज़र आता है, कोई भी हैलोजन नज़र आता है, तो आपने उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ग्रुप में डाल दिया, उसका नाम क्या रखा आपने, हैलाइड, बल्कि इसका नाम आपने क्या रखा, अल्काइल हैलाइड, पूरा नाम अल्काइल हैलाइड, अलग ही ग्रुप बना दिया, ठीक है भाई, ये सिंगल एटम वाली बात भी मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है या फिर ये है या फिर CH3 CH2 CH3 ये है या फिर CH3 CH2 CH2 CH3 ये है, अब इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फिर आप यही सोचेंगे यार इनको भी, इनकी भी कोई एक फैमिली बनानी चाहिए जिनके अंदर सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, उनको आपने अल्केन का नाम दे दिया, अल्केन का, फिर इसी तरह आपको जो है, तो ये सिंगल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा करेगा, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है, ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है कि अगर ख़ास तौर पे यहाँ पर वो आपसे बोलता है भाई इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आप झट से मत बोल दीजिएगा कि नहीं भाई इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही आइडेंटिफिकेशन है, पहचान, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा करेगा, ठीक है, और अल्कीन वो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है किसी भी जगह पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आता है, तो आप क्या नाम देंगे कि यार इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या किया जाए, इनको एक और ग्रुप बनाते हैं, इनका नाम रख दिया अल्कीन। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको आपने क्या नाम दे दिया, अल्काइन का। तो यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा करेंगे, समझ में आ गई बात आपको, अच्छा ये भी हो गया। अब जो ख़ास ख़ास किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं आप जो है उनके नाम देख लीजिए, वैसे जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है ठीक है उनको तो ये सब याद ही होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्केन का है, ये पूरा का पूरा टेबल है, लेकिन मैं बना देता हूँ पेज नंबर 70 पे आप देख लेंगे, अल्केन के लिए
जो है वो क्या है, ये है कार्बन, सिंगल कार्बन, हाइड्रोजन को नहीं लिया जाता, ये इस तरह की ये लकीरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अल्कीन के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं। अल्काइन को ले लें, अल्काइन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अल्कोहल को ले लें, अल्कोहल मैंने अभी बताया आपको, अल्कोहल को ले लें OH, ये जो लकीर आपको नज़र आ रही है बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है भाई। ईथर को ले लें, इसी तरह ईथर है, ईथर जो उसमें ऑक्सीजन आपको नज़र आएगा, ठीक है, अलग से ही, हाइड्रोकार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। अमाइन को ले लें, अमाइन, अमाइन जो है हमारे पास क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इसमें आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आएगा, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप। कीटोन को ले लें, कीटोन, कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, अल्काइल ग्रुप से मेरा मतलब है CH3, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी देख लेते हैं, नोट कर लें। फिर हमारे पास है कार्बोऑक्सैलिक एसिड, कार्बोऑक्सैलिक एसिड है हमारे पास, ये हो जाएगा, और OH। अब यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये OH भी लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल नहीं होगा, ये बात जहन में रखिएगा जी। सिर्फ OH देख के पागल मत हो जाइएगा कि ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप को देख लें, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है तो ये कार्बोऑक्सैलिक एसिड कहलाएगा, सिंपली आप इसको अल्कोहल नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप ना लगा हुआ हो, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल बताई थी, सिर्फ OH लगा हुआ हो कार्बन चेन के साथ, तो डेफिनेटली वो अल्कोहल है, सिर्फ अल्कोहल। ईस्टर को देखें, ईस्टर जो है इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपको नज़र आएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ होगा, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ होगा। नाइट्राइल को ले लें, नाइट्राइल इसमें कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की सूरत में होगा। थायोल, थायोल में सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ मौजूद होगा। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड सिंगल बॉन्ड, और ये एक्स जो नज़र आ रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स जो है। एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ ये एक्स। अब यहाँ पर वही बात कि सिर्फ एक्स को देख के आप हैलोजिन हमेशा मत समझिएगा, अगर तो ये एक्स जो हैलोजिन हो और उसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप भी लगा हुआ हो तो फिर ये एसिल हैलाइड कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड नहीं कहलाएगा। अगर एक्स लगा हुआ हो उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है तो ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, लेकिन अगर एक्स के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ तो ये एसिल हैलाइड जो है वो कहलाएगा। उसके बाद क्या है, अमाइड है, अमाइड तो ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होगा और इसके साथ NH2 होगा। काफ़ी बच्चे जो है इसकी वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको अमाइन देख के वो चिल्लाने लगते हैं कि ये तो अमाइन होगा। भाई ये अमाइन तो होगा, लेकिन ये देख लें इसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बोनाइल ग्रुप,
ये अगर कार्बोनाइल ग्रुप में लगा हुआ होगा तो ये NH2 जो है ये अमाइन नहीं कहलाएगा, फिर ये अमाइड कहलाएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग वाले जो है ना वो ये रहे। देखें अमाइन को देख लें, अमाइन के साथ कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। अल्कोहल को देख लें, कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। कार्बोनाइल ग्रुप बोलें तो ये सी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप के लगा। ईथर को देख लें आप, ऑक्सीजन के साथ कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। अब ईस्टर को देख लें, जो नाम मिलते जुलते हैं ना वो गड़बड़ करते हैं। ईस्टर को देख लें आप, ईस्टर जो है उसके साथ ऑक्सीजन तो है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ईथर के साथ ऑक्सीजन तो है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। अल्कोहल के साथ कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है इसीलिए अल्कोहल है, और अगर अल्कोहल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप लग जाए तो फिर अल्कोहल नहीं कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह अमाइन NH2 कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, अमाइन कहलाएगा, लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो अमाइड कहलाएगा। ठीक हो गई भाई बात। इसी तरह अल्काइल हैलाइड हैलोजन लगा हुआ है सिर्फ, कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट है तो ये एक्स अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एक्स के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो फिर ये अल्काइल हैलाइड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एसिल हैलाइड। ग्रैंड टेस्ट नॉमनक्लेचर का 1.5-2 घंटे का मैं बना चुका हूँ, उसमें मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 भी पूरा, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और उन्हीं में मैंने ग्रैंड टेस्ट जो है वो भी बना के हर वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के भी एंड में आपको ग्रैंड टेस्ट का नज़र आ जाएगा थंबनेल जो है, ग्रैंड टेस्ट आप देखेंगे। तो ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करें, बार बार अटेम्प्ट करें, उसी ग्रैंड टेस्ट के अंदर ही मैंने उसका सोल्यूशन भी दिया है वीडियो के लास्ट में, ताकि फ़ौरन या करने के बाद आप अपने आप को चेक कर लें। जितनी अच्छी ग्रिप आपकी नॉमनक्लेचर्स के ऊपर है उतना ही आप जो है ना उड़ा के रख देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अदरवाइज़ फिर आप परेशान ही रहेंगे, पता नहीं क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है भाई, एक टॉपिक इसके बाद हमारा जो रह गया है वो क्या है, आइसोमेरिज्म, उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।